श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति। वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तम् बिंदावन मनोहरम् वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरण धैयम सदा परिभवग्न भविष्ट दूहम तेथास्पदम शिव विरंचन तम शरण्यम वेतात्यहम पनुतपाल भवद्विपूतम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गभवधूस्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदतौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदतौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं
Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajabhishanatham Vagisha Jusha Badane Lakshmir Yasacha Bakshasi Yasyasti Hide Sambhid Pam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krite Yadhyato Vishnu Tetayam Jajato Makshai Dapare Tat Paricharjayam Kalu Tat Hari Kirtanad Gauriya Goshipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Dr. Prabhupada Paramahansa Jagat Guruji ne bataye ye jo suvidha satya yug mein mil raha tha satya yug mein ye dhyan ke dwara paravastu milne ka vyavastha tha teta yug mein yogyo ke teta yug mein yogyo ke dwara Dapur Yug mein Paricharja, Adi Arshan, aur Kali Kal mein Keval Naam Sankirtan ke dwara hi sab kuch mil sakta hai. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagat Guruji ne bataye, Satya Yug mein Paratattva milne ka jo vyavastha tha, हजारों हजारों साल ध्यान के द्वारा तेता युग में वही परतत्व को मिलने का जो व्यवस्था हुआ करता था मतलब यज्ञ के द्वारा वही परतत्व को दापर युग में अर्चन के द्वारा परिचर्या के द्वारा और कलिकाल में केवल संकीर्तन के द्वारा ही सब कुछ मिल जाता है कलिकल केवल नाम आधारा कलिकल केवल नाम आधारा समर समर जीव उतर ही पारा कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा ही सब कुछ मिल सकता है भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम सब कुछ मिल सकता है प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब ये मत समझो ये सत्य युग में ध्यान के द्वारा ये परतत्व मिलने का व्यवस्था हुआ करता था तो संकीर्तन चलेगा नहीं ऐसा नहीं और ऐसा मत समझो कि त्रेता युग में जो यज्ञ के द्वारा मिलने का व्यवस्था हुआ करता था वो अभी संकीर्तन नहीं चलेगा ऐसा नहीं संकीर्तन हर हालत में चलेगा यहाँ तक कि दापर युग में जो परिचर्या अर्चन परिचर्या के द्वारा जो मिलने का व्यवस्था है वो भी संकीर्तन के द्वारा मिला कहने का मतलब है प्रभुपाद कह रहे हैं संकीर्तन सबसे बड़ा जबरदस्त पद्धति है ये सोचने का ये समझने का कोई दरकार नहीं कि महाराज ये सत्य युग में ये संकीर्तन नहीं चलेगा ऐसा नहीं संकीर्तन में सिर्फ सत्य युग में नहीं सत्य युग में त्रेता युग में द्वापर युग किसी भी समय हर हालत में हर अवस्था में संकीर्तन के द्वारा कामयाबी हासिल हो सकता इसमें कोई गुंजाइश नहीं संकीर्तन इतना जबरदस्त है भगवान का संकीर्तन इसके द्वारा देश काल पात्रों टाइम स्पेस मैटर का कोई जरूरत है नहीं विचार करने का महाप्रभु जी ने बताया नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तर्पिता नियमित स्मरणेन कालो इतोद्दिशित भगवान ममापि दुर्दैव मिदिशम यहाजुन नानुराग
किसी अवस्था में, किसी काल में, किसी परिवेश में, चाहे कितना भी भयंकर हो, कुछ भी हो, लेकिन संकीर्तन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। संकीर्तन इट्सेल्फ कंप्लीट। तो कोई अगर प्रश्न करे, ठीक है तो ठीक है, लेकिन फिर सत्ययुग में क्यों ध्यान का व्यवस्था था? युगो धर्मो ऐसा नियम है, शास्त्रों का एक ऐसा नियम है, युगो धर्मो चलता है। एक एक युग में एक एक व्यवस्था दिया गया, एक एक युग में एक एक व्यवस्था दिया गया, ये चलता है युग व्यवस्था, युगो धर्मो। लेकिन युगो धर्मो होने के बावजूद, युगो धर्मो का एक सिस्टम था, क्योंकि सत्ययुग में एक एक आदमी का 1,00,000 बरस आयु, परमायु, इतना परमायु क्या करे, उसलिए तपस्या वपस्या आदि का वो स्ट्रेंथ क्षमता भी था उसका अंदर में, तपस्या आदि करने का क्षमता भी था, इसलिए किया। अब देखो हिरण्यकशिपु कितना तपस्या किया, ऐसा तपस्या किया न भूतो न भविष्यति, ना तो किसी ने ये ह्यूमन क्रिएशन में, सृष्टि में किसी ने ना तो किया है, ना तो वर्तमान कर रहा है, ना तो भविष्य में करेगा, कोई करने का कोई चांस ही नहीं है। न भूतो न भविष्यति, शरीर में दिमाग लग गया, दिमाग लग गया, ब्रह्मा जी अब आया वरदान करने के लिए, तो देखा कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता, सब खा गया, जितना सारे रक्त मांस है सब दिमक ने खा गया सब। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल से पानी छिटका दिया तो इसका बिभत हेम मयम बपूम, फिर पहले का मापिक सोने का मापिक शरीर पकड़ लिया असुरराज। कहने का मतलब है सत्ययुग में हिरण्यकशिपु देखो, सारे रक्त मांस जो है, खून पसीना सारे गया, सब गया शरीर का, कुछ बचा नहीं, मरिया मैरो मरिया, मैरो जानते हो, इनसाइड बोन देर इज वन मैरो, इसका अंदर में प्राण जिंदा है, सब गया शरीर, कुछ नहीं है, शरीर का अंदर सब गया, कुछ नहीं है, लेकिन मैरो का अंदर में प्राण टिका हुआ है, कितना ताकत है। सत्ययुग में 1,00,000 साल परमायु है तो कर ले तपस्या 10,000 साल 20,000 तक क्या फर्क पड़ता है, लेकिन त्रेता युग में 10,000 साल परमायु, त्रेता युग में वो भी कमती नहीं है, और द्वापर युग में वो गिरते हुए आया 1,000 बरस, एक आदमी का परमायु था 1,000 बरस 1,000, और एक कलिकाल में 100 साल, वो भी पूर्ति नहीं हो रहा है, 50, 60, 70, 80 वो भी नहीं, पहले चले गया दुनिया से, ऐसा हालत है। इसलिए भोपात कह रहे हैं जो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में संकीर्तन के द्वारा कामयाबी हासिल हो सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने हम लोगों को यही शिक्षा दिया, नाम संकीर्तन, हर वक्त नाम संकीर्तन करो, कि स्वयने कि भजने किम्बा जागरणे अहर निश चिंत कृष्ण बलह बदने सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं यार, हर वक्त कहते रहो, कोई विधि नहीं है, ऐसा कि खाने का टाइम में मत बोलो, नहाने का टाइम में मत बोलो, घूमने का टाइम में मत बोलो, ऐसा कोई नियम नहीं है, हर वक्त किसी भी समय हरिनाम संकीर्तन हो सकता, कोई एक कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है, कभी भी हो सकता, संकीर्तन ऐसा चीज है हर वक्त।
ऐसा है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गंभीरा मंदिर का अंदर रहते समय एक दफे बच्चा गोपाल मतलब ध्यान, ये जो बच्चा गोपाल है ध्यानचंदो का गुरु है और बक्रेश्वर पंडित का शिष्य है। बक्रेश्वर पंडित का शिष्य के गोपाल गुरु गोस्वामी, गोपाल जी बच्चा है, एक दफे देखा महाप्रभु अपना जवान के सुतली लगाकर टाइट करके जा रहा है शौच कर्म, मनुष्य लीला कर रहा है भगवान जा रहा है। इस समय गोपाल देखा है क्या है, क्या आपका जवान में क्या लगा कर, बोले हमारा जवान जो है ये रुकता नहीं, हमारा जो जवान है ये रुकता नहीं, हर वक्त हरे कृष्ण 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 ये बोलते रहता है, ये क्या करे, मैं बाहर जा रहा हूँ शौच कर्म में, इसलिए सुतली लगा लिया। तो गोपाल ने हंस के बोला प्रभु नाम तो हर वक्त किया जा सकता है, नाम का थोड़ी कोई समय है, नाम तो कभी भी आप शौच कर्म में जाओ नहाने जाओ सब कुछ। तो महाप्रभु ने आनंद के द्वारा गोपाल को गले में लगाया, बोले आज से इसका नाम है गुरु। इन्होंने उपदेश किया कि हरिनाम कभी भी किसी समय किसी रोक टोक नहीं है कर सकता, तब से इसका नाम पड़ गया गोपाल गुरु गोस्वामी। काल हम चर्चा कर रहा था भगवान अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठो दो रूप लेकर भक्तों को हर वक्त प्रोटेक्शन देता है, काल चर्चा किया था। नहीं वो हाँ नहीं वो उपयन्ति अपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम मुद्द मुद्द स्मरंत यो अंतर्बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुनवन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं बेनोक्ति। एक श्लोक बोला हुआ है, हे ईशो देवता लोग भगवान का चाप भगवान का बात हाथ जोड़ के वंदना कर रहा है प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईशो ब्रह्मा का मापिक परमायु प्राप्त करके भी आपका स्मरण स्मृति के लगन से जो आनंद धारा है और तुम्हारा जो कृपा है इसका कृतज्ञता अर्थात ग्रैटिट्यूड देने के लिए ब्रह्मा का मापिक आयु भी हो जाए वो भी काफ़ी नहीं है, ब्रह्मा का मापिक आयु भी हो जाए वो भी आपका चरण में हमारा जे ग्रैटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता ज्ञापन के बाद ये भी काफ़ी नहीं है, चाहे ब्रह्मा का मापिक आयु हो जाए। हे ईशो ब्रह्मा का सदृश ब्रह्मा का मापिक आयु लब्ध हो करके भी आपका स्मृति आपका स्मृति रिलेटेड आनंद धारा और तुम्हारा जो कृपा है आपका जो कृपा है हम लोगों का ऊपर तुम्हारा कृतज्ञता अर्थात आभारी ज्ञापन करने के लिए वो भी समर्थ नहीं है, ब्रह्मा का बाप एक लंबा आयु प्राप्त करे तभी फिर भी, क्योंकि हर हालत में हर अवस्था में आप हम लोगों को बचाने के लिए व्यवस्था कर रहे हो। देहोधारी जीव शरीरधारी जीवों को बचाने के लिए बाहर में गुरु रूप धारण करके अवतीर्ण होते हो, फिर आचार्य रूप में और अंतर में अंतर्यामी रूप में व्यवस्थित होके प्रेरणा देते हो, हर वक्त आप रक्षा करते हो। नहीं वो उपयन्ति अपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम मृद्वमुदः स्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभाम् विधुनवन् आचार्योच्चैत्यवपुषा स्वगतिं बेनोक्ति। आपको प्राप्ति करने का रास्ता खुद ही दिखाते हो शास्त्रों का रूप में, ये तो शास्त्रों का रूप में है ही है, गुरु रूप में नाम रूप में हर वक्त
अंतर्यामी रूप में, गुरु वैष्णव रूप में सब भक्त। गीता में भगवान बताया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त्वांग जेनो माम उपयान्ति ते। तेषाम ये जनहा, जो जिन जिन जनों ने, जिस जितना आदमी जो सब हर वक्त भगवान का साथ संबंध जोड़े रखता है, मैं ऐसा भक्तों लोगों का बात कह रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम, भगवान कह रहे हैं वो लोग, वो भक्तों लोग जो हर वक्त मेरा साथ नाता जोड़ के रखता है, संबंध जोड़ के, सततम तेषाम सतत युक्तानाम, जो हमको भजन करते रहते हैं वो भी प्रीति का साथ, विथ अटैचमेंट, प्रीति का साथ। इन लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है, मैं ददामि बुद्धि योगम त्वाम जेनो माम उपजान्ति थे, मैं इन लोगों को ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, इनका ऐसा बुद्धि योग मैं देता हूँ ताकि मेरे को प्राप्त कर सके। काल कह रहा था गजेंद्र मोक्षण में भगवान का आशीर्वाद है, गजेंद्र मोक्षण जो व्यक्ति सुबह नींद खुलने का बाद सुबह में उठकर आंखें मूंदकर गजेंद्र का चिंतन करे, हरि गजेंद्र मोक्षण, उसको भगवान ने वादा किया मरने का समय में, वाइल गोइंग टू लीव बॉडी हम उसको ददामी विमलाम बुद्धि योगम, भगवान ने वादा किया। और प्रहलाद महाराज के सामने नृसिंहदेव भी ऐसा वादा किया, नृसिंहदेव बोला देखो तुम्हारा विषय तुम्हारा टॉपिक और हमारा टॉपिक जो चर्चा करे, त्वामचो मामचो स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते, जो तुम्हारा प्रसंग और मेरा प्रसंग के बारे में चिंता करेगा उसको हम, उसका संसार बंधन छूट जाएगा, ऐसा बोला है। इसके बाद कह रहे भगवान ब्रह्मा को उपदेश दिया है, ब्रह्मा को याद है भागवत जी महाप्राण का चतुश्लोकी भागवतम, ज्ञानम परमम गुह्यंग में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगं च ज्ञान गुदितं मया यवान हम यथा भावु यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुत्ते मदनुग्रहात् अहोमिवासमग्रन्नज सहसत्परम पश्चादहम यदि तच्च जो अवशिष्यसे सोस्मि अहम रीति अर्थम यद प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद्विद्वादत्मानमयम यथावास यथातमा यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचिशुनु प्रविष्टान्न भविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञास सुनात्न अन्नाय व्यतिरिक्याभ्याम जत्सत् सर्वतो सर्वदा एतत् मतम समाधिष्ठ परमेनो समाधिना, एतत् मतम समाधिष्ठ परमेनो समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का माध्यम में दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद दिया, इसके बाद काम गायत्री भी दिया है ब्रह्म संहिता में, काम गायत्री के द्वारा ब्रह्मा वाज इनिशिएटेड, ओके, और दिव्य ज्ञान भी दिया है। इस चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत मीन कंप्लीट नॉलेज ऑफ भगवान, बट यू कैन नॉट रियलाइज। चतुश्लोकी भागवत इट्सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सीड, जैसे बीज है ना, एक बीज का अंदर में बड़ा वृक्ष का पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही चतुश्लोकी भागवत का अंदर में वो तमाम भागवत का जीस्ट जो है छुपा हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं देखो ये जो हमारा जो विज्ञान समन्वितम नॉलेज ज्ञान जो है ये साधारण है,
वह जब नॉलेज प्रैक्टिकली मिलता है ना, तब वो विज्ञान बन जाता है। ज्ञान ज्ञानम परमम गुह्यम जद विज्ञान संबंधित ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं देखो ब्रह्मा, देखो ऐसा है कि विज्ञान समन्वित ज्ञान टुगेदर विथ प्रैक्टिकल फीलिंग, विज्ञान समन्वित मिस्ट्रियस नॉलेज जो साधारण आदमी का विचार का परे है, विज्ञान समन्वितम रहस्यो अर्थात अंगयुक्तो, हमारा जो परम गुह्य ज्ञान तुमको कृपा करके मैं देने जा रहा हूँ, मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप ग्रहण करो, मैं देने जा रहा हूँ, आप ग्रहण करो, आप एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो। और देखो जवान हम जाता भाव यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव विज्ञान वस्तुते मदनुग्रह, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा लक्षण क्या है, हमारा रूप, हमारा गुण, हमारा लीला, ये तमाम मिस्ट्री जो है, जैसा हूँ मैं, जैसा भाव है मैं, सब कुछ ये सब तत्व जो है, ये सारे जो तत्व है, ये तमाम जो तत्व है, सारे तत्व मैं तुमको जेने जा, हम तुमको जेने जा रहे हैं, आप ग्रहण करो, प्राप्त हो, मैं नहीं देने से आपको कभी नहीं मिलेगा, आपका अपना पर्सनल एफर्ट के द्वारा कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। ऐसा करके तीसरा नंबर अहमेव विभाग अहमेवासो मेवाग्री, ये सब श्लोक भी बताया। जगत ये होल क्रिएशन, ये जो कॉस्मिक क्रिएशन है, ये सृष्टि का पूर्वे भी मैं मौजूद था, ऐसा नहीं कि मैं अभी जन्म लिया, सृष्टि का पहले, क्रिएशन का पहले मैं मौजूद था, सत एवं असत एवं अनिर्वचनीय इनएक्सप्लिकेबल निर्विशेष ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म पर्यंत कुछ भी हमसे अलग कुछ नहीं, सब मेरा अंदर में ही है, मैं ही हूँ, मेरा जो निर्विशेष ब्रह्म, ये निर्विशेष ब्रह्म पर्यंत जो कुछ भी है, सत असत और जो कुछ भी व्याख्या करने का लायक है, व्याख्या करने का क्षमता का बाहर है, जो कुछ भी है निर्विशेष ब्रह्म तक, सब कुछ हमसे पृथक रूप में था ही नहीं, मेरे अंदर में था। सृष्टि होने का बाद ये समुदाय वस्तु में, सृष्टि होने का बाद ये समूचा समुदाय वस्तु में स्वरूप में मैं ही उपस्थित हूँ। और सृष्टि जब विनाश प्राप्त हो जाएगा, सृष्टि जब विनाश प्राप्त हो जाएगा तब भी हम ही रहेंगे, तब हम ही रहेंगे और कुछ कोई नहीं रहेंगे। अहो मेवास मेवाग्रे नान्यत् जद सदसत् परम पश्चादहम जद एतच्च जो अवशिष्यते सो अस्मि अहम्, मैं ही रहेंगे और कुछ नहीं। ऐसा है ब्रह्मा जी ने भगवान का नाभि कमल में अपने को आविष्कार किया गौरवदुग साई विष्णु, और उसके बाद सोचने रह गए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये पद्म क्या है, ये समझने के बहुत चेष्टा किया, चारों ओर देखा अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं है, और फिर नाभि का जो स्टेम है उसमें नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ही कुड नॉट ट्रेस आउट द ओरिजिनल रीजन ऑफ हिज बीइंग, किस लिए हूँ, कहाँ से आया, वो समझ नहीं पाया। इसके बाद भगवान करुणा करके एरियल वॉयस सुनाई पड़ा, एरियल वॉयस सुनाई पड़ा आसमान से, पर तपो 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 तीन बार,
ये तपो सुनने का बाद वो सोचने लगे तपो का माने क्या है। भगवान अंतर में प्रेरणा देके समझा दिया, तपो मतलब मैं तुमको तपस्या करने कह रहा हूँ। स्टार्ट एस्ट्रिटियन फिनांस। इसके बाद तपस्या करते 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 भगवान इसका ऊपर इसका तपस्या से प्रसन्न हो गया। भगवान तपस्या के द्वारा बड़ा भारी प्रसन्न हो गया। भगवान प्रसन्न हो गया तपस्या के द्वारा। तपस्या होके फिर बोले देखो तुमको सृष्टि करने के लिए क्षमता मैं दे रहा हूँ, तुमको सृष्टि करने के लिए क्षमता है मैं दे रहा हूँ, तुम सृष्टि करो, चलो हम दिव्य ज्ञान दे देते हैं, तुम शुरू करो सृष्टि शुरू करो और उच्चा क्षमता मैं दूँ। ब्रह्मा का सृष्टि का जो क्षमता है, ब्रह्मा का सृष्टि करने का जो ताकत है, ये भगवान से ही आया है, बाहर से नहीं आया। भगवान कह रहे हैं तो देखो ऐसा है, जो सृष्टि करने के लिए जो तुमको ज्ञान चाहिए वो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। रीते अर्थम यत प्रतीय तो न प्रतीत चात्मनि तद विद्वाद आत्मनमयाम यथावासु यथा तमह, ऐसा बताया। पहले वाला श्लोक में परतत्व का स्वरूप ज्ञान निर्णित हुआ, किंतु स्वरूप से भगवान का स्वरूप से इतर तत्व का ज्ञान जब तक ना हो, कहने का मतलब है उजाला, ये जो रोशनी है ये उजाला रोशनी का इज्जत, इसका जो वैल्यू, इसका जो कीमत है, तभी समझा जा सकता है जब अंधेरा का बारे में नॉलेज कंप्लीट है। फॉलो, अगर अंधेरा का बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो रोशनी उजाला को वो अच्छा समझेगा नहीं। टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइट यू विल हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ डार्कनेस, देन यू कैन कॉन्ट्रास्ट। सो पहले वाला श्लोक में परतत्व का स्वरूप ज्ञान के बारे में निर्णय किया गया, किंतु स्वरूप भगवान का स्वरूप से इतर तत्वों का ज्ञान के द्वारा स्वरूप तत्वों का ज्ञान का रिजिडिटी कन्फर्मेशन, जैसे महाप्रभु को श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु जी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय कहाँ है, के आमी कहने मोरे जारे तपोत्तोय यहाँ नहीं जानी कोई से मोर हित होय। महाप्रभु कह रहे हैं देखो तुम्हारा अज्ञान बिल्कुल नहीं है, यू आर नॉट इग्नोरेंट, तुम सब जानते हो। महाप्रभु सनातन को कह रहे हैं सनातन यू नो एवरीथिंग, तुम्हारा कोई अज्ञान नहीं है, फिर भी तुम मेरा साथ मेरा पास क्वेश्चन कर रहे हो फॉर कन्फर्मेशन। महाप्रभु कह रहे हैं जानी साधु पूछे दाडो लगी हर बार, बंगाली महाप्रभु स्पीकिंग आ रियल साधु समटाइम पुटिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एग्जाल्टेड डिवोट दैट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ हिज ओन नॉलेज वो ऑलरेडी ही हैज। महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो कोई अगर पक्का साधु किसी का पास महाजन का पास महाराज बताओ कोई अगर क्वेश्चन करे तो ये समझ लेना इसका अज्ञान नहीं है, वो इच्छा करके क्वेश्चन कर रहे हैं, जो नॉलेज है उसको कन्फर्मेशन करने के लिए। तो पूर्व श्लोक में परतत्व का स्वरूप ज्ञान का बारे में बताया गया, किंतु ये जानना जरूरी है जे स्वरूप ज्ञान से इतर तत्व का जो ज्ञान है ये जब तक आप इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका दिल में बैठ ना जाए, समझा। स्वरूप ज्ञान से स्वरूप तत्व से इतर तत्व का ज्ञान के द्वारा स्वरूप ज्ञान का कन्फर्मेशन दृढ़ता रिजिडिटी जब तक
ना हूँ तब तक विज्ञान नहीं बनता है। आपने किताब पढ़ा ज्ञान हुआ, ये किताब का जो चीज़ पढ़ा है इफ़ यू प्रैक्टिकली अप्लाई सम प्ले देन यू कैन गेट प्रैक्टिकल नाउ योर नॉलेज इज सपोर्टेड बाय। तो ये जे स्वरूप तत्व, स्वरूप तत्व को जानने के लिए स्वरूप तत्व का ऑपोजिट इतर, इतर तत्व का ज्ञान के द्वारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ के जब तक स्वरूप तत्व को कंफर्म ना करो दिल में तब तक विज्ञान नहीं बनेगा। स्वरूप तत्व, स्वरूप तत्व से ऑपोजिट तत्व का नाम है माया। जो भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया था, किसी ने प्रश्न किया महाराज माया क्या है, ये माया माया कह तो माया क्या है, भक्तिमय ठाकुर ने उत्तर दिया देखो भगवान का स्वरूप शक्ति ही अपना शक्ति है, लेकिन स्वरूप शक्ति का बाहर एक शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन स्वरूप शक्ति नहीं रहने से इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता। समझा, भक्तिमय ठाकुर माया का डेफिनेशन दिया, स्वरूप शक्ति इज द ओनली शक्ति, इंटरनल शक्ति, एक्सेप्ट दैट इट सीम्स दैट अनदर शक्ति इज देयर वर्किंग हियर, बट बी श्योर विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल शक्ति दिस शक्ति कैन नॉट मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस। इसका नाम माया से, जैसे लाइट इज देयर, लाइट जल रहा है और लाइट के सामने खड़ा हो जाओ एक शेड, एक शेडो पीछे में पड़ेगा, लाइट के सामने खड़ा हो जाओ लाइट का पीछे, लाइट का आपका बॉडी है, लाइट के सामने खड़ा हो जाओ लाइट का फोकस से पीछे एक शेडो, शेडो गिरेगा, शेडो रहेगा ना। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स यू कैन फाइंड वन शेडो बैक साइड। लेकिन आपका शरीर अगर ना रहे, एब्सेंट रहे, तो शेडो का कोई क्वेश्चन है नहीं। बॉडी है तो शेडो है, बॉडी नहीं तो शेडो नहीं है। तो ऐसा ही उदाहरण दिया, बोला स्वरूप तत्व, स्वरूप तत्व का ऑपोजिट स्वरूप तत्व से इतर तत्व का नाम है माया। माया तत्व का ज्ञान इस श्लोक में विस्तृत रूप में वर्णन किया गया। स्वरूप तत्व ही तत्व अर्थो यथत्व तत्व, इस स्वरूप तत्व का बाहर जो तत्व है बोलकर महसूस होता है, लेकिन स्वरूप तत्व, स्वरूप तत्व का अंदर में जिसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, और ज़्यादातर क्लियरली बोलो ये स्वरूप तत्व नहीं नहीं होने से ये इतर तत्व का एग्जिस्टेंस खो जाता है, इसको ही आत्म तत्व का माया वैभव, इसको ही बोला जाता है, है? इसको ही बोला जाता है आत्म तत्व का माया वैभव। जो क्लियरली समझा नहीं जाता है, जो क्लियरली समझा नहीं जाता है, बुझा जाए ना, बोलो ये क्लियरली समझा नहीं जाता है, इसलिए दो प्रादेशिक, दो मेटेरियल उदाहरण के द्वारा इसका स्पष्टीकरण, पुष्टीकरण, ये क्लियरली समझा नहीं जाता है, इसलिए दो उदाहरण के द्वारा इसको पुष्टीकरण या स्पष्टकरण करने का प्रयत्न किया है। जैसे स्वरूप तत्व को सूर्यो कण है, स्वरूप तत्व को सूर्यो ज्ञान करो, जैसे समझो कि सूर्य आसमान में है, सूरज भगवान सांगोट ये स्वरूप तत्व है, ठीक है स्वरूप तत्व है। जैसे सूरज का नाम, स्वरूप तत्व को सूरज समझो, और सूरज का इतर तत्व दो रूप में प्रतीत होता है, एक है आभास एक है अन्नतम। सूरज तत्व किसी पानी के अंदर में सूर्य भगवान का रिफ्लेक्शन गिर रहा है, इट इज जस्ट लाइक सूर्य, लाइक सूर्य सन गॉड देयर, सन गॉड का पानी का अंदर में या मिरर का अंदर में सूरज भगवान का पूरा फोटो गिर रहा है, बट इट इज एक्चुअली नॉट सूर्य, इट सीम्स वेरी नाइस सूर्य। और
अभी सूरज भगवान आसमान में है, सूरज भगवान घूम के अगर अमेरिका का उधर चले जाए तो यहाँ वी कैन फील डार्कनेस, अंधेरा हो जाएगा, हमारा डार्कनेस उन लोग का उजाला हो जाएगा, हैं ऐसे ही। तो प्रभुपाद जी ने बताया, देखो दो उदाहरण के द्वारा इसका कन्फर्मेशन और समझने के लिए ये काफ़ी है। जैसे सूरज भगवान है, इसको स्वरूप तत्व ज्ञान करो, सूर्य का इतर तत्व दो रूप में एग्जाम्पल दिया सकता है, दिया जा सकता है, एक है आवास, दूसरा है तम, ठीक है। सूर्यों का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पानी में, इट इज जस्ट लाइक सन गॉड बट नॉट एट ऑल सन गॉड, इसको आभास। सूर्यों का प्रभाव, सूर्य अभी आसमान में है, घूमते घूमते पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी और अर्थ इज टर्निंग, सूर्य भगवान अभी हमारा इधर अंधेरा हो जाएगा, आप उधर उदय हो जाए, यूरोपियन अमेरिकन कंट्री में उदय हो जाए, जापान इसमें फास्ट सूर्य उदय है, जापान इज अ कंट्री वेयर फास्ट सन गॉड कैन बी सीन। तो ये जो है सूर्य घूम गए, सूर्य अभी नहीं है, अंधेरा छा गया, तो ये उदाहरण के द्वारा उदाहरण दिया है, सूर्य का प्रभाव जहां नहीं है तहां तमो, अंधेरा छा गया, अंधेरा। चित जगत में ये तो है मेटेरियल जगत का, ये तो है खैर छोड़ो, मेटेरियल जगत का उदाहरण और अप्राकृत जगत के बारे में अगर बताए, चित जगत में भगवत स्वरूप का किरण स्वरूप, चित जगत अप्राकृत जगत भगवत स्वरूप का किरण स्वरूप, इनके सादृश्य अवलंबी आभास रूप माया वैभव, यही आभास का उदाहरण है। जो भी है ज़्यादा समझने का कोशिश करो कि दिमाग खराब हो जाए, सुनो विचार करके, रीति अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्वात आत्मानो मयाम यथाभासो यथात्मा, हो गया। फिर 55 नंबर का, यथा महंती भूतानि भूतेषु उच्चावचिषुनु प्रविष्टान न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्, जैसे खिति अपो तेज मरुद्बम जता महान्ति भूतानि उच्चावची सुनु, हर वस्तु में ये जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका इंग्रेडिएंट खिति अपो तेज मरुद का बाहर है, ऑल मेड अप ऑफ खिति अपो तेज मरुद, अर्थ एयर स्पेस सब कुछ, फायर सब कुछ, तमाम वस्तु जो कुछ भी है सब तत्वों से, ये तत्व अलग से भी है और हर वस्तु में प्रविष्ट है। ये जो शरीर है इसका अंदर में भी खिति अपो तेज मरुद बोम है, डोंट अंडरस्टैंड, खिति अपो तेज मरुद बोम मे बी दे हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस इन नेचर, एट द सेम टाइम Also, they are introduced in everything, all particles everywhere. Or, ये जो wooden door है, वृक्ष है, हर जगह सब में ये पंचभूत, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचिषुनु प्रविष्ठान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। तो ऐसा है जैसे महाभूत सकल बृहत और क्षुद्र सब वस्तु में इंट्रोड्यूस प्रविष्ट हो के वर्तमान है, ऐसा मापिक मैं भूतमय जगत में, ऐसा मापिक मैं खोद भूतमय जगत में, सर्वभूत में सत्वाश्रय रूप परमात्म रूप में प्रविष्ट होकर परमात्मा, जैसे
पंचभूत खितियोपो तेज मुरुद ब्रोम, जैसे खितियोपो तेज मुरुद ब्रोम, ये सेपरेटली पंचतत्व तो है ही है, और फिर भी हर वस्तु में, फिर भी हर वस्तु का अंदर में दे आर ऑल इंट्रोड्यूस इन एवरीथिंग। ऐसा मापिक भगवान कह रहे हैं, मे बी यू कैन नॉट सी मी एट प्रेजेंट बट बी श्योर आई एम इंट्रोड्यूस एवरीवेयर, इवन इन डस्ट पार्टिकल, हर डस्ट पार्टिकल में मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं प्रविष्ट हूं। इसका बारे में समय लें, यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचिषु अनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु नौतेषु, हम हर वस्तु में जैसे एक पानी का डब्बा है, पानी वाटर, इसका अंदर में थोड़ा सॉल्ट लेके डाल दिया, उसके बाद घोल दिया ऐसा, तो अभी घोलने का बाद पानी सॉल्ट कहाँ गया, सॉल्ट इसका अंदर डिजोल्व हो गया। हर वाटर का मॉलिक्यूलर स्पेस में सॉल्ट सोडियम का प्रविष्ट हो गया। भगवान कह रहे हैं मैं हर वस्तु में, यहाँ तक कि एक डस्ट पार्टिकल है इसका अंदर मैं हूँ। जब प्रहलाद महाराज जी, जब प्रहलाद महाराज जी को चैलेंजिंग मूड लेकर, हिरण्यकशिपु ने सवाल ठोका, क्या बोले, खम्बा में है तेरा भगवान, तेरा विष्णु है क्या खम्बा में? हाँ खम्बा में भी है। तो एक मुक्का लगा दिया, लगाने के बाद देखा निशिंग भगवान निकल गया। भगवान, भागवत जी महापुर में लिखा है, सत्यम विधातुम निजभित्व भाषितम टू प्रूव दैट माय डिवोटी नेवर स्पीक लाई, मेरा भक्तो कभी झूठा नहीं बोलता है, ये प्रमाण करने के लिए। अर व्यक्तम, आप जो भगवान, मैं व्यक्त हूँ, हर भूत में मैं हूँ विराजमान, ये प्रमाण करने के लिए निशिंग भगवान खंबा का पिलर का अंदर से निकल गए। आई बात समझ में? ये जो खिति अपो तेज वायु आकाश, ये जो पंचभूत महाभूत पंची पंचीकृतो एडमिक्सचर, ये वन कैन एडमिक्सचर स्पेशल, एक एक वस्तु, एक एक वस्तु का अंदर में डिफरेंट कैन एडमिक्सचर है। एज इट इज प्लाई वुडन, इसका अंदर में जो एडमिक्सचर है इसका अंदर में वो नहीं है, इसका अंदर में ऐसा नहीं है, अलग सा। हर वस्तु का अंदर में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एडमिक्सचर, वस्तु का गठन, वस्तु का प्रॉपर्टी, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। ये जो है स्थूल जगत प्रकाशित हुआ, उपकरण इंग्रेडिएंट, और हर वस्तु में, हर जगत में, हर वस्तु में मैं विराजमान हूँ, फिर भी मेरा एक अलग सा भी प्रेममय स्वरूप है। मे बी आई एम देयर एवरीवेयर, हर वस्तु में मैं उपस्थित हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक स्पेशल स्वरूप है नित्य जगत में, जो लेकर मैं भक्तों का साथ खेला करता हूँ। इसीलिए यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचिषोनु प्रविष्टानु प्रविष्टानि तथा तेषु नातेषु, हर वस्तु में मैं प्रविष्ट होने का बावजूद आई हैव माय सेपरेट आइडेंटिटी, दो आई एम एवरीवेयर बट स्टिल आई हैव माय स्पेशल आइडेंटिटी। उसके बाद चतुश्लोकी भागवत का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उठाया, क्योंकि ब्रह्मा जी को कैसे दिव्य ज्ञान दिया इसको खुलासा करने के लिए चतुश्लोकी भागवत को कोट किया चैतन्य चरितामृत का अंदर में। इसके बाद भागवत जी महाप्राण के जो अंतिम ये है, यहाँ मतलब एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञास सुनातन अन्नाय व्यतिरिकाभ्याम जत्सत सर्वथा, ये जो रहस्य है, ये जो मिस्ट्री है हमारा बारे में,
question related to me. That is called unique question. Excellent. Etava devo jigyasam tatva jigyasanata. Yahi tak jo log jigyasa karte hain, question karte hain, ये है तत्व जिज्ञासा का एक्सट्रीम लिमिट। एतावन एव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासनातन, जो आत्म जिज्ञासु और तत्व जिज्ञासु कोई व्यक्ति हैं, है जिनी आत्म तत्व जिज्ञासु, जो व्यक्ति आत्म तत्व जिज्ञासु है, जिसका अंदर में आत्म तत्व का बारे में इंक्वायरी पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, समझा, जिसका अंदर में तत्वज्ञान और आत्मज्ञान जानने का इंक्वायरी पैदा हुआ है। जैसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कह रहे हैं कि कौन है मु, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा परिचय क्या है, क्यों जगत का ये जो सतोरजो तम गुण मेरे को पीड़ित करता है, क्या कारण है, कैसे छुटकारा मिले, ये सब क्वेश्चन है। तो ये आत्म तत्व जिज्ञासु अगर जगत में कोई है, ये अन्वय व्यतिरिक्त एनीथिंग यू लाइक टू अंडरस्टैंड, देर इज टू प्रोसीज्योर, वन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोसीज्योर। अन्वय व्यतिरिक्त का अभ्याम दो पद्धति से जाना जाता है। सो अन्वय व्यतिरिक्त विचार के द्वारा यू ट्राई टू गेट आइडिया, विषय में विचार करते करते सर्वत्र सर्वदा नित्य हमारा अनुसंधान करते रहे। जो तत्व तत्व वस्तु का बारे में जिसका अंदर में सेल्फ इंक्वायरी पैदा हुआ है, उन्होंने मेरे को जानने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रयास प्रचेष्टा करे, और हर वक्त ये नित्य सत्व इटर्नली प्रेजेंट एक नित्य वस्तु, इसका ही बुद्धिमान व्यक्ति हर वक्त अनुसंधान इंक्वायरी करे। तात्पर्य जो ये है, प्रेम रहस्य, प्रेम का रहस्य जिस उपाय में साधित होता है, इसका नाम साधन भक्ति। आ तत्व जिज्ञास पुरुष सदगुरु का चरण में अन्वय व्यतिरिक्त रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विधि और निषेध। जगत में शास्त्रोक्त ज्ञान दो किस्म का होता है, एक विधि, यू विल हैव टू डू इट, डोंट डू इट, बोथ टुगेदर कैन गिव यू कंप्लीट आइडिया। तत्व ए प्रेम तत्व जिज्ञास पुरुष सदगुरु का चरण में अन्वय व्यतिरिक्त अर्थात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना तत्व को पुष्टि साधन, अपना विचार को पुष्टि साधन करने के लिए तत्व जिज्ञास पुरुष सदगुरु का चरण में अन्वय व्यतिरिकाभ्याम अर्थात विधि और निषेध दोनों को ही शिक्षा करके तत्व अनुशीलन करते करते तत्वज्ञान प्राप्त हो। जैसे एक उदाहरण, एकादशी करना जरूरी है, यह विधि। एकादशी नहीं करने से ये होगा रिएक्शन, इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो एकादशी बोथ यू हैव टू डू। सो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे विचार ये बताया गया। अभी विचार ये है, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार जो है, भागवत जी महाप्रभु कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड ऑल द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु वी कैन फाइंड इन भागवतम, और वी कैन से व्हाट इज जो तत्व ज्ञान भागवत में मिलता है, वी कैन फाइंड एवरीथिंग इन अप्लाइड फॉर्म इन द लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बोथ ओके। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में श्रीमद् महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जो मत है, सिद्धांत विचार संपूर्ण रूप में विराजमान है। भागवत ग्रंथों में 18,000 श्लोक, ये 18,000 श्लोक में जो कुछ भी है, ये मूल चार श्लोक मैंने पहले ही बताया, ये चार श्लोक का अंदर में सारे भरपूर तत्वज्ञान विराजमान है। 18,000 श्लोक का अंदर में जो कुछ है,
चार श्लोक का अंदर में ये तत्व ज्ञान है, ठीक है। तो भगवान का स्वरूप ज्ञान, इसका साथ माया का ज्ञान, जीव तत्व का ज्ञान और मेटेरियल जगत का ज्ञान, ये सारे कंप्लीट नॉलेज अगर हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिल में बैठ जाए तो ये ज्ञान परफेक्ट है। इतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञास सुनातन अन्य व्यतिरिका व्याम जत्सर्वद सर्व। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चतुश्लोकी भागवत का उदाहरण देके तत्व ज्ञान मिलने का तरीका प्रोसीड्योर बताया है। जैसे ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण तो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका प्रोसीड्योर दिखाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चतुश्लोकी भागवत चैतन्य चरितामृत के अंदर में उठाकर दिखाया। अभी श्री कृष्ण कर्णामृत श्लोक से एक श्लोक उठाया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चिंता मनिर जयति सोमो गिरिर गुरुर मे शिक्षा गुरुश्च भगवान सिख पिंच मौली यत्पादो कल्पतरु पल्लव शिखरे शिखरेशु लीला स्वयंवर रसाम लभते जयस्वी। क्या बताया, चिंता मनिर जयति सोम गिरिर गुरुर मे शिक्षा गुरुश्च शिक्ष्मा शिक्षा गुरुश्च भगवान शिख पिंच मौली यत्पाद पल्लव तरु पल्लव शिखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जस। इसका मतलब क्या है, चिंता मणि मने विस इलिंग ट्री वार आई कैन थिंक इट कैन कम ट्रू। चिंता मणि स्वरूप सोमगिरी नामा गुरु, ये जो चिंता मनीर जयति सोम गिरीर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिख पिंच मौली यत पाद पल्लवो जत जत पाद कल्प तरु यत पाद कल्प तरु पल्लव शिखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जसु। इसके द्वारा हमारा कृष्णदास गोविराज गोस्वामी ये जो लीलासुख नाम क्या है, लीलासुख लीलासुख दक्षिण भारत का क्या कृष्ण कर्णामृत तो लिखा है, कृष्ण कर्णामृत तो का राइटर बिल्लमंगल ठाकुर, बिल्लमंगल ठाकुर, बिल्लमंगल ठाकुर जब अपना आँखें को फोड़ दिया, व्हेन ही वाज नॉट एबल टू ओवरकम दिस माया रिपीटेडली फेसिंग में अगेन प्रॉब्लम फाइनली ही टुक टू नेल एंड पुट इनसाइड आईज, टू नेल लेके आंखों को फोड़ दिया, ब्लड आना शुरू कर दिया। इसके बाद निर्वेद तत्व हुआ, मैटर राबिश सब छोड़ दिया, केवल अंतर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा भगवान बचाओ। अभी आंखें फोड़ गया, आंखों में दो नेल घुसा दिया, इसके बाद अंधा बन गया और वृंदावन जा रहा है अंधा, देख नहीं सकता। पहले आंखों का रोशनी था लेकिन माया था, नाउ आंखों का रोशनी नहीं है लेकिन माया नहीं है, अब भगवान गाइड करके वृंदावन। और इन्होंने कृष्ण कर्णामृत आस्वादन किया, बड़ा बिग पंडित है, इतना बड़ा भक्त है। इन्होंने लिखा है कृष्ण कर्णामृत में, पहले लिखा है वंदना, मैं वंदना कर रहा हूँ मेरा वो गुरु सोमगिरी जिसका नाम है सोमगिरी मानचक्र, मैं वो गुरु का चरण में वंदना कर रहा हूँ जिसका नाम है सोम गुरु गिरुर में जो मेरा गुरु है, ये जयुक्त हो जाए। और सिख पिंछो धारी मत शिक्षा गुरु भगवान, ये भी जयुक्त हो जाए। जो मयूर का पुछवा पिकॉक फीदर
लगाता है सर पे, ये मेरा मयूर पुच्छो धारण करने वाले गोविंद गोपाल यो मत शिक्षा गुरु भगवान ये भी जयुक्त हो जाए। जिन भगवान के पादो कल्प तरु पल्लवो नखाग्रो का शोभा के द्वारा आकृष्ट हो के जयश्री अथा श्रीमती राधारानी स्वयंवर जनित सुख लाभ किया है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी। पहले कवि कर्णपुर जी अपना गुरु का वंदना कर रहा है, ये किसका नाम है क्या है, सोमगिरि गुरुर में चिंता मुनिर जयति सोमगिरिर गुरुर में आर शिक्षा गुरुश्च भगवान शिख पिंच मौली जत पाद कल्प तरु पल्लव शिखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयस। इसका माने क्या है, माने हैं चिंता मणि का मापिक, मेरा मन में जो इच्छा है वो पूर्ति कराने वाले चिंता मणि स्वरूप गुरुजी, मेरा गुरु सोमगिरि गुरु, मेरा गुरु सोमगुरु, ये गुरुजी जयुक्त हो जाए। और मयूर पुच्छो सिखी सिखी पिच्छो मैंने मयूर पुच्छो, मयूर मतलब पीकॉक फीदर, ये जिसका मुकुट है मयूर पिच्छो से भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन कृष्णो, ये मेरा शिक्षा गुरु, क्योंकि अंतर में रहकर मेरे को हर वक्त गाइड करता है, ये भी जयुक्त हो जाए। आज जिस भगवान गोविंदो का चरण कमल, ये जो जिनके पदोकल्प तरु भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल वांछाकल्प तरु है, जैसे वैष्णव का चरण वैष्णव वांछाकल्प तरु होता है, वैष्णव के पास जो प्रार्थना किया जाए वो पूर्ति होता है, ऐसे ही भगवान का चरण कमल को वांछाकल्प तरु अर्थात ये पदो पदोकल्प तरु पल्लवो रूप नखाग्रो भगवान श्री कृष्ण ऐसा करके फोल्ड फोल्डेड लेग खड़ा हुआ है बंसी लेके, इस भगवान का चरण कमल का जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन के द्वारा आकर्षित होके राधा रानी भागे चली आती है। जयश्री अर्थात श्रीमती राधिका स्वयं स्वयंवर यानी तो सुख लाभ करे, कृष्ण चरण कमल में पहुंचने का बाद श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर्षित होके भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में पहुंच जाए और ना जाने कहाँ का एक आनंद की बार उछल पड़ते हैं, कहाँ से आनंद का एक बहुत लहर खिलते रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण को मैदान चिंता मनिर जयति सोमगिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिख पिंच मौली यत पादो कल्प तरु पल्लव शिखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयसी। ये वंदना किया ठीक है। इसका बाद कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी शिक्षा गुरु रूप, हाउ भगवान एज शिक्षा गुरु गिविंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इनसाइड। हम लोग जो गायत्री मंत्र जब करते, गायत्री मॉर्निंग टाइम यू डूइंग आरती, गायत्री मंत्र मीन यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गायत्री। गायत्री मतलब भगवान को प्रार्थना, भगवान यू इंस्पायर मी पॉजिटिवली सो दैट आई कैन डू सो मेनी नाइस थिंग, प्रचोदया मॉर्निंग टाइम डूइंग, तो प्रचोदयात भगवान अंदर में बैठा हुआ है, जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु रूप शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। डायरेक्टली भगवान को देखा नहीं जाता, जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे अर्थात चैत्य गुरु का रूप लेकर चैत्यरूप और गुरु का रूप लेकर अंदर में बैठा हुआ है। ये शिक्षा देता है, एनी नॉलेज यू आर टेकिंग, ये भगवान चैत्य गुरु नॉट बैकिंग यू, यू कैन नॉट मैच्योर इट,
It cannot get maturity. It cannot digest it. Haan. Be careful. To jibe shakshat nahi. Jib cannot see directly Bhagavan, but they don't know inside them sitting. Jibe shakshat nahi. Tate guru chaitya rupe shiksha guru hoy krishno mahanto sarup. So Bhagavan also act as shiksha guru. Bhagavan bhi hamara andar mein shiksha guru ka rup mein virajman hai. Iske baad Bhagavad ji mahapuran ka ye shlok uthaya. Shlok uthe ke bola tato dusanga musrijyo satsu sajjet buddhimanah buddhiman Shanto evasyo chinnanti manavyasangam uktivi. Tato, athat, dusanga ka result, what is the ultimate result of asasanga, final dangerous, after realizing those who are intelligent, tato, dusanga, musrijyo, satsu, sajyeto, buddhiman. Jo log buddhiman hai, dimagdar hai, वो कभी असत्संगो करेगा नहीं. जो जे लोग का बहुत बुद्धि है, विचार है, बुद्धि मतलब बुद्धि टू सेव हिमसेल्फ, आत्मो अनात्म विवेक, आत्मो अनात्म विवेक. सो ततो दुस्संग मुत्सृज्यो, दुस्संग दूर में फेंक कर असत्संग नहीं करेंगे. दुस्संगो बैड एसोसिएशन दूर में फेंक दिया, नहीं करेंगे. करके सत्सु अर्थात वास्तविक साधु संगो करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति जाता है. क्यों? बोले संत महात्मा प्रवचन बोलेगा, हरिकथा कीर्तन, और हरिकथा कीर्तन संत महात्मा बोलते रहेगा ना. आ संत महात्मा का काम ही यही है, तो हरिकथा कीर्तन बोलो. अब बोलते बोलते हम अगर संत महात्मा का पास बैठे, चाहे हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, बांग्ला बोले, उड़िया बोले, फर्क नहीं पड़ता, हरि कथा है, कानों में आएगा, प्यूरिफाई करेगा इधर. तो संतो एव छिन्नती मनोव्यासंगम उक्ति भी, अंदर में जितना सारे बंधन है, गांठ, नॉट इनसाइड हार्ट, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, अनर्थ, सब संतो एव छिन्नती. साधु एक काटर लेके काट के सब फेंक देता. संतो एव अशो छिन्दंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, डिफरेंट काइंड ऑफ अन्नविलास, अनर्थ, सारे संत महात्मा काट के फेंक देगा और तुमको मुक्त बना दे. यू कैन गेट फ्री. क्यों? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं साधु संगम में कुछ नहीं होता, उल्टा पलटा. साधु संग क्या होता? श्री हरि का सतांग प्रसंग्यात मम वीर्य संविद भवंत हित कर्ण रसायन कथा तज्योषनाद आसु अपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति रणुक्रमिष्यत. इसीलिए साधु संग जरूरी है, क्योंकि साधु संग के द्वारा हर वक्त हरि कथा, भगवान का कथा कीर्तन का सुजग मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है. इसीलिए साधु संग जरूरी है. और कंटिन्यूअस साधु संग, इफ यू कैन एंश्योर कंटिन्यूअस साधु संग इन योर लाइफ नॉन स्टॉप, देन बी श्योर 100% सक्सेस, नो प्रॉब्लम. तो सतांग प्रसंग्याद मम वीर्य संविद भवंति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनाद आसु अपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर रणुक्रमिष्यति. अगर ये संत महात्मा का पास हम अगर रहे, तो ये तो कंटिन्यूस हरि कथा बोलते रहेगा, हम सुनते रहेंगे हरि कथा. सुनते 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 हमारा अंदर में भक्ति पैदा हो जाएगा, भक्ति आ जाएगा हमारे अंदर. तो श्रद्धा, पहले श्रद्धा होगा, पहले श्रद्धा, उसका बाद श्रद्धा रति, उसके बाद भक्ति, रणुक्रमिष्यति. आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति स्वाद निष्ठा रुचिस्ततः अथाशक्तिस्तथा भाव. ऑल ग्रेजुअली टुमोरो स्टार्टिंग पॉइंट आई कैन डिस्कस दिस. ओके.
काल हम चर्चा करेंगे इस विषय में भगवत भक्तों का तत्व। नाउ अभी भगवत भक्तों का तत्व, क्यों भगवत भक्तों का इतना सम्मान है, वाई भगवत भक्तों इज सो ग्रेट, क्या कारण है? इसका कारण बोल रहे हैं ईश्वर स्वरूप भक्तो तार अधिष्ठान। जैसे एक सालग्राम है, सालग्राम है ना, सालग्राम देखा नहीं देखा, सालग्राम, सालग्राम शिला और गिरिराज शिला, तो वी वर्शिप बिकॉज वी नो भगवत अधिष्ठान। हम लोग सालग्राम पूजा क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका अंदर में भगवान का अधिष्ठान है, गिरिराज का अंदर में गिरिराज भगवान, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य शिक्षा दे, शिलारे कहे प्रभु साक्षात कृष्ण अधिष्ठान, गिरिराज मीन डायरेक्टली कृष्ण, भक्त मीन कृष्ण सिटिंग इनसाइड। व्हाई भक्त इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्तों के हृदय में कृष्ण का सतत विश्राम, कृष्ण टेकिंग रेस्ट इनसाइड द हार्ट ऑफ डिवोटी। ईश्वर स्वरूप भक्तों तार अधिष्ठान, ईश्वर स्वरूप भक्त, ईश्वर स्वरूप भक्तों, ईश्वर का स्वरूप है भक्तों, कृष्ण का अधिष्ठान है, भक्तर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, भक्तों का हृदय में कृष्ण का हर वक्त विश्राम। क्यों कारण है? कृष्ण तो हमारा हृदय में भी है, तुम्हारा हृदय में, कृष्ण तो सबको ही का हृदय में। कोई अगर बोले महाराज भक्तों का हृदय में कृष्ण है, मेरा हृदय में नहीं है क्या? हिंदी समझते हो? नहीं है। कोई अगर प्रश्न करे महाराज हमारा अंदर में तो परमात्मा है, तो भगवान तो हमारा अंदर में है, तो क्यों ऐसा बोला? भक्तेर हृदय कृष्ण सतत विश्राम, हमारा हृदय इनसाइड माय बॉडी आल्सो भगवान दे, ओके दे, बात भक्तों का हृदय में भगवान रेस्ट लेता है, बड़ा पीसफुल, क्यों? कोई कामना वासना नहीं, भक्तों का हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, हर कोई के अंदर में भगवान है परमात्मा के रूप में सुपर सोल, लेकिन वहाँ भगवान का आराम नहीं मिलता। भक्तों के हृदय में आराम मिलता है, क्यों? भक्तों के हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, भक्तों के हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, नो डिजायर, नो फॉल्सिव और नथिंग, दैट्स वाई भगवान फील कंफर्टेबल। भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान रहता है, आनंद लेता है, विश्राम करता है, भगवान टेक ए रेस्ट, पीसफुल, नो टेंशन, नथिंग। और बाकी का हृदय में कामना वासना है, भगवान बिकम वेरी सॉरी, भगवान बिकम वेरी सॉरी, आई एम देयर, दिस इज आई नीड, आई नीड, आई नीड, आई एंजॉय, आई एंजॉय, हो यूजलेस, भगवान का आनंद नहीं होता है, समझा? इसीलिए ईश्वर स्वरूप भक्तो तार अधिष्ठान भक्तिर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, भक्तों के हृदय में कृष्ण का विश्राम है, भगवान कैन टेक रेस्ट पीसफुली इनसाइड। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयंत्वहम मदन्नति नायनन्ति ना हम तेभ्यो मनाकोपि। दिस श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी उठा के प्रमाण दिया, क्या दिया? भागवत जी महापुराण में भगवान अम्बरीश उपाख्यान, भगवान अम्बरीश वाकम 9 कैंटों में अम्बरीश उपाख्यान में खुद स्वीकार किया, भक्तों और भक्तों हर वक्त हमारा चिंता करता है, हम भक्तों को, भक्तों मेरा हार्ट है, हम भक्तों का हार्ट है, भक्तों साधवो साधवो हृदय मह्यम, साधु लोक मेरा हार्ट है, साधु लोक मेरा हार्ट है, और साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयंत्वहम, आसंतों का हृदय में भी मैं बैठे रहता हूँ। ये लोग हमको छोड़कर कुछ जानता नहीं, ये लोग हमको छोड़कर कुछ जानता नहीं, और हम भी
इनको छोड़कर कुछ जानते नहीं। भक्तो इज माई हार्ट एंड आई एम देयर हार्ट। सो ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो अहम मदन्न ते न जनंती न हम तेभ्यो मना गोपी अ लिटिल बीट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई डोंट लाइक टू हियर एनीथिंग एक्सेप्ट डिवोटी एंड डिवोटीज दे नेवर लाइक टू हियर एनीथिंग एक्सेप्ट माई टॉपिक्स दैट इज एक्सपीरियंस। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, समय हो गया। काल फिर हम विचार करेंगे, काल विचार करेंगे। चैतन्य चैतन्य में तो बड़ा एक्सीलेंट है, अनोखा किताब है, इसका विचार करना जरूरी है। सो काल विचार करेंगे। सो कौन श्लोक देके शुरू किया था हमने, जो भी है, वांछा कल्पतरुष के पास सिंधु भवच पतितानंग पावन भो वैष्णव भ्यो नमो पांच कल्प।